पहली रेड आज की इस प्रतियोगिता के सप्तम रेड पर हरे राम तीसरी पोजिशन के लिए 11,000 रुपए चौथी के लिए 71,000 रुपए भाई अजी थोड़ा दिया जाएगा। हम इनका आज धन्यवाद करते हैं पिता ध्यान दे के लिए 1,00,000 सेकंड के लिए 51,000 भाई आदराम तीन नंबर के लिए 11,000 रुपए चार नंबर के लिए 71,000 रुपए तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली टीम के लिए भाई की तरफ से इनाम की घोषणा कर दी गई है 11,071 से और मोनी अखबारा की तरफ से पहली रेड चैतन्य पूरी की एमबीओ की तरफ से पहली रेड पर मोनू पार मिनट के साथ ये बिल्कुल बेहतरीन टैकल मोनी अखबारा। अब रेड पर महंत मकर ने इस समय रेड पर तैयार दो नंबर जर्सी का खिलाड़ी पूरे डिफेंस को चेक करता हुआ अच्छा रेड रहेगा प्रदेश का रेड तक जिले का लाइव अपनी देख देख करवा संदीप उज्वाल से इस रेड पर भाई बहुत ही अच्छी खेल कमेटी बहुत ही बड़े बड़े दानवीर हमारे बीच में है जिन्होंने तीसरे और चौथे स्थान की जो टीम है उसके लिए भी नाम बढ़ा दिया है। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कमेटी का भी कि इतना अच्छा अरेंजमेंट किया बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट साथ ही उस समय जो रेड रेड पर है चेतन गांव रानीला जिला चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश का सुपर स्टार है। हा 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 क्या बात है साथियों नजर हटी दुर्घटना घटी पॉइंट मिला अब रेड पर संदीप इस समय रेड पर बिल्कुल मजबूत कर जाती का खिलाड़ी जानदार शानदार खिलाड़ी बगैर टेक्निक के रखने का प्रयास किया तो अटेली तक नहीं रुकेगा बहुत ही जान है शानदार खिलाड़ी लेकिन सामने जो टीम मोनी अटवाला वो भी बहुत ही बेहतरीन टीम है और वही गलती हुई कवर से पॉइंट मिला एमडीओ की टीम को। अब रेड पर मोहित मकरोली इस समय रेड पर देखिए बड़ी खुशखबरी है कि अगले मेले में 2023 में फर्स्ट प्राइज 1,05,000 की होगी फर्स्ट प्राइज भाई अजीत के द्वारा सम्मान श्री तारागन साहब ध्यानी अर्जुन के द्वारा की जाएगी 1,05,000 की पहली प्राइज बिल्कुल जोरदार तारीफ हो सभी खेल प्रेमी कि भाई अजीत सिंह की तरफ से आज ही घोषणा करती है बाबा के इस कौन पवित्र स्थान पर कि वे अगली बार 2023 में जो बाबा का मेला होगा और कबड्डी का जो टूर्नामेंट होगा उसका जो प्रथम पुरस्कार है वो 1,05,000 रुपए होगा और भाई सभी टीमों से मेरा अनुरोध है कि आज आप जाकर अपने डायरी में नोट कर लेना अगली बार जब भी 2023 में गुग्गा नोबी यानी कि आज ही के दिन बिल्कुल गौरी गांव में जरूर पहुंचे जो कि भाई अजीत सिंह ने आज ही घोषणा करके 1,05,000 रुपए के बहुत ही अच्छा आयोजन और आज भी तीसरे और तो पाकिस्तान की टीम के लिए 11,071 का जो भाई ने दान दिया है वो बहुत अच्छा कार्य किया है बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई हुई है चलो कबड्डी के खिलाड़ियों की बात हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की बात हो यदि आज वर्तमान में बात की जाए तो हरियाणा की टॉप जो भी 10 टीमें थी वो आज आपके गांव में है। अब इस समय रवि रेड पर रवि जो ये एमबीयू की टीम है ये मांडोला में हुई 1,11,000 की जो कबड्डी थी उसमें प्रथम स्थान पर रही थी और भाई आप अपना अनुशासन बना के रखे ये जो रस्सियां बांधी गई हैं इनका मतलब आप भी अच्छी तरह से समझते हैं तो आप कृपया इन रस्सियों से बाहर रहे खिलाड़ी कोच और काम करने वाले वॉलंटियर के अलावा कोई अंदर न आए और इस टूर्नामेंट को
इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा है। एक चैनल स्पोर्ट्स 4x4 जिसके ओनर जसप्रीत सिंह हनुमानगढ़ बहुत ही अच्छे खेल प्रेमी है, और जो दूसरा चैनल है प्रेसी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल जिसके ओनर राजा हिंदुस्तानी। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, लोनी अटवाला का स्कोर 6, एमडी का स्कोर 3, 6-3 का स्कोर, चेतन इस समय रेड पर, 5 खिलाड़ियों का डिफेंस, तो दो खिलाड़ियों की दो चैन, बीच में रोहित अकेला। चेतन में बहुत ही सुपरस्टार खिलाड़ी आज के दिन हरियाणा प्रदेश का, देखिए जो बाबा का देसी घी का भंडारा चल रहा है वो भाई मनभूल जी एक्स इंस्पेक्टर रोडवेज कन्नौज श्रीमलाल जी बोहरा उनिंदा की ढाई द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। गाड़ी हो चुकी है जिस हिसाब से गंती चल रही है, अभी जो रस्सियों के अंदर बैठे हैं उनसे भी देखो रिक्वेस्ट है कि आप बाहर हो जाए, अन्यथा महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, सख्ती से आपको बाहर किया जाएगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम आपका सम्मान करते हैं कि आप हमारे गांव घोड़ी में आए हो, यहाँ धानियों का जो सहयोग है ये भी बिल्कुल देखने योग्य है। धानी मैं सुन रहा हूँ कि हर प्रकार के नाम 7100 के नाम भाई अजीत के द्वारा, अगली बार 2023 की 1,05,000 के नाम भाई अजीत के द्वारा कबड्डी की टीम को दी जाएगी। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आगे भी बाबा पर ऐसे ही सेवा का मौका देता रहे, धन्यवाद। भाई अजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप 1,00,000 रुपए के नाम और सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों टीमों के नाम दे रहे हैं। झटका बिल्कुल जारी, लेकिन विफल सुपर टैकल 2 पॉइंट नोनिया द्वारा, और भाई 2023 की रुपए का इनाम भाई ने घोषणा करके 1,05,000। सेकंड इनाम के लिए भी दानवीर यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरफ से घोषणा होगी। प्रथम इनाम की तो घोषणा हो चुकी है, सेकंड इनाम की भी घोषणा होने जाती है। ये गांव घोड़ी है यहाँ पहले ही घोषणा कर दी जाती है, और बिल्कुल घोषणा करने के बाद उस कार्य को बखूबी किया भी जाता है। अब रेड पर राहुल नोनियत वाला टीम की तरफ से राहुल इस समय रेड पर। देखिए ये दौड़ के अंदर पानी जाता है, गहरा जाता है, आपसे निवेदन है कि बच्चों का ध्यान रखें, कृपया आपसे बार बार कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों का ध्यान रखें, दौड़ के अंदर ज्यादा पानी है, गहराई अधिक है, कोई हाथ में आ जाए कैसा ध्यान रखे, सभी से निवेदन है। भाई पहले भी कहा गया है कई बार कि आप दौड़ में नहीं आए, उसमें गहराई है, आप नहाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो आप थोड़ा अपनी सावधानी स्वयं रखें। आप टूर्नामेंट का आनंद लें, ये हरियाणा प्रदेश के सुपरस्टार खिलाड़ी इस समय आपकी यहाँ प्रतिभा दिखाया रेड पे, यह साथी संदीप उपाध्याय बिल्कुल शानदार शानदार खिलाड़ी है। मनी अटवाला की रफिंग, मनी अटवाला का स्कोर 10, एंड्रू का स्कोर 8। आप 10 का स्कोर राहुल इस समय रेड पर, राहुल इस समय रेड पर। और अब रेड पर मानो सुपर टैकल ऑन मास्टर रेड की औपचारिकता की सेकंड
रेफरी थोड़ा साइड रखे हुए हैं, रेफरी के लिए थोड़ा विनर है भी मैच की प्रॉब्लम वीडियो में दे बराज। हां बराज अच्छा उठ जा थर्ड रेड और भाई यहां थर्ड रेड थर्ड चार नंबर दर्शन खिलाड़ी चेतन गांव रानीला जिला तरफदारी बहुत ही अच्छा सुपरस्टार रेडर है। आहट क्या बात है साथियों, ये है चेतन और थर्ड रेड थर्ड रेड एमडीओ की तरफ से थर्ड रेड रेड पर मोनू मोनू थर्ड रेड करता हुआ एक नंबर दर्शन का खिलाड़ी बिल्कुल दमखम है कि युवा बच्चा उभरता हुआ स्टार है हरियाणा प्रदेश का 1 लाख का इनामी टूर्नामेंट यहाँ खेलता हुआ सफीर के साथ रेड करता है। टांडा द्वारा बेहतरीन बाई और पॉइंट मिला मोनिया धोला जिले जींद को अब फिर रेड पर साथियों राहुल मोनिया द्वारा की तरफ से राहुल इस समय रेड पर बारह आठ का स्कोर इन फेवर ऑफ मोनिया द्वारा 4 पॉइंट की लीड मोनिया द्वारा टीम की 4 पॉइंट की लीड है और अब 5 के डिफेंस में बिल्कुल ताकत का बेजोड़ खिलाड़ी रवि रवि नांगल इस समय रेड पर हेलो बिल्कुल जानदार शानदार खिलाड़ी है नांगल जिला का तो रात नहीं गुजर रवि नाम हैं लाइन में आगे रही खिलाड़ियों को पीछे कर देते को सब तू रंग आ जा छोटू साइड में बैठ थर्ड रेड आई सर अब आई थर्ड रेड पर चेतन पिछली बार का कामयाब खिलाड़ी पिछली थर्ड रेड में विराज को आउट किया था और दूसरे साथियों जो है चेतन गांव रानीला और बताया था हरियाणा प्रदेश का आज के दिन का सुपर स्टार रेडर है। जब भी आप इसे थर्ड रेड में प्रयोग करोगे ये सुपर थर्ड रेड लेकिन रेड पर है रवि नांगल नांगल जिला रोहतक एनडीओ की टीम का ये खिलाड़ी बहुत ही पावरफुल दमदार खिलाड़ी है एक सुपर रेड भी लगा चुका है बिल्कुल बहुत ही अच्छा चलता भाई एक खुशखबरी और है भाई बोलो देसी गीता भंडारा भाई याद राम जी जीएसटी विभाग सेंट्रल कमिट यानी अस्पताल द्वारा किया जाएगा बड़े बहुत जोरदार ताली बजा भाई साहब के लिए लगा सभी नाम की घोषणा भी और वह स्कोर हुआ 11 पॉइंट एमडी और 14 पॉइंट अटमला 12-14 का स्कोर साथियों गेंद पर लग चुका है वो सुपर टैकल जो चेतन को लगा था उससे पूरा मैच पर लग चुका है Thank you.
मोहित मोहित बंगाल एक समय पर दो नंबर दर्शी का खिलाड़ी अच्छा सुपरस्टार हरियाणा प्रदेश का ये भी तरफ रेड पर संदीप राहुल इस समय रेड पर मान्य हथौड़ा टीम का खिलाड़ी राहुल क्या बात है साथ में बिल्कुल मिड लाइन पर धकेल दिया विराज को और टीटल है दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी विराज थर्ड रेड सर थर्ड रेड और गया फिर थर्ड रेड डिसाइड रेड छह खिलाड़ियों का डिफेंस बहुत ही ताकतवर खिलाड़ियों के साथ में सत्तर में होंगे घिर चुका है खिलाड़ी और इस खेल की उत्पत्ति भी चक्कर में हुई थी आज से लगभग 5500-5600 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रोणाचार्य के द्वारा जो चक्कर में संरचना की थी वो खेल का दृश्य है। अंतिम खिलाड़ी शेष ऑल आउट का खतरा बिल्कुल सर मंडराता हुआ अंतिम खिलाड़ी शेष रवि नंदन बोनस टू रेडर वन प्लस टू थ्री पॉइंट मन में हटवा श्री हनुमान जी महाराज का मेला वो भंडारा सर्कल कबड्डी का महाकुंभ गांव राजगढ़ धानी फिरोज नगर तहसील पावल जिला रेवाड़ी में शुक्रवार 9 सितंबर 2022 को सर्कल कबड्डी 75 फुटी प्रथम इनाम 51,000 और द्वितीय इनाम 31,000 कुश्तियां भी होंगी 21,000 रुपए तक की कुश्तियां है और वो 500 रुपए एंट्री फीस और 20 किलोमीटर दूर से आने वाली टीमों को 1500 रुपए किराया दिया जाएगा। गांव राजगढ़ में 9 तारीख को और वही 7 तारीख को आपके अपने नजदीक के गांव नशेपुर जो कि नारनौल के नजदीक पड़ता है उसमें नेशनल स्टाइल कबड्डी का टूर्नामेंट है जिसका पहला इनाम 71,000 दूसरा इनाम 51,000 तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आप सब खिलाड़ी दर्शक खेल प्रेमी आमंत्रित है। देखिए भाई एक खुशखबरी हो रही है फर्स्ट प्राइज 2023 के लिए 1,05,000 और सेकंड 61,000 की इनाम भाई अजीत लाल जाएगी अजीत सीआरपी तरफ दी जाएगी इनाम भाई साहब भाई अजीत देखा अजीत सिंह सीआरपीएफ भाई अजीत से फर्स्ट भी और सेकंड भी फर्स्ट 1,05,000 और सेकंड 61,000 की भाई साहब ने सभी श्रोताओं का तालियों बजाएं बैठे बहुत ही प्रधान मानवीय है थर्ड रेड हमारे बीच में प्रथम और द्वितीय इनाम की घोषणा करती है। प्रथम इनाम 1,05,000 और द्वितीय इनाम 61,000 की घोषणा करते हैं।
और आज आज के दिन की बात करें तो प्रथम इनाम भाई साहब की तरफ से है और सेमीफाइनल में मैच रूज करने वाले तीसरे उत्तर प्रस्थान की टीम है 11,071 रुपए दिए जाएंगे। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। एक खुशखबरी और है, एक कमरे का निर्माण दिसंबर दयाल जी एक्स पंच डाली अस्पताल में किया जाएगा। बाटा के ऊपर एक कमरे का निर्माण दिसंबर दयाल एक्स पंच के द्वारा डाली अस्पताल द्वारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामवासी भाई दोनों दानी चाहे अर्षुल की दानी हो प्रवणिंदा की दानी हो सभी दानियों का सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेड पर संदीप बादशाह रेड से 1 पॉइंट और भाई दो नंबर दक्षिण का खिलाड़ी मोहित मकरोली रोहतक के नजदीक लगता है गांव कबड्डी के लिए हमेशा से चर्चित रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर सर्विसेज के प्लेयर बहुत ज्यादा रहे मकरोली से। एक वक्त हमारे सीनियर बताते हैं कि मकरोली का मतलब ही बीएसएफ का और बीएसएफ का मतलब ही कबड्डी में मकरोली का ऐसा भी रहा है। तो उस गांव से खिलाड़ी का मोहित हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले की बात करें तो साथी रोधाना और कपूरा ऐसा गांव है जहां कबड्डी को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है और हमारे जो अजय बीपी साहब हैं वो कपूरा गांव से हैं। उनके गांव में भी कई पीढ़ी दर पीढ़ी कबड्डी चल रही है बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं। सुरजीत सिंह सुरजा संदीप नरवाल जैसे खिलाड़ी इन्हीं के गांव में इन्हीं के परिवार से हैं और रुधाना गांव में भी मैं को खिलाड़ी थे प्रदीप नरवाल हो अन्य राकेश नरवाल हो ये सब खिलाड़ी रुधाना गांव से हैं। नेशनल स्टाइल कबड्डी में यदि कोई जिला सबसे मजबूत है तो वो सोनीपत जिला है और सोनीपत के साथ लगते रोहतक जिले की बात पानीपत की बात गुरवाणी की बात जज्जर की बात सबके सब जिलों में कबड्डी को बड़ा प्रेम किया जाता है और प्रो कबड्डी के टूर्नामेंट में हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं। और भैया पर 7 नंबर दर्शी का खिलाड़ी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है नाम है रवि गांव नांदेड़ जिला रोहतक एमबीयू की टीम का हिस्सा है। और भाई हमारे यूट्यूबर साथी राजा यूट्यूब चैनल है और जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं भाई का अनुभव बहुत धन्यवाद करते हैं दिखाते हैं कल से अपनी सेवाएं दे रहा है भाई और स्पोर्ट्स फॉर वाइफ और यूट्यूब चैनल हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे बीच में है बिल्कुल जो भी खेल प्रेमी है जसप्रीत भाई और सभी खिलाड़ियों से परिचित है हर टूर्नामेंट को लाइव दिखाता है भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेड पर मोहित मकरोली अच्छा मैच चलता है दोनों टीमों के बीच में 23-17 का स्कोर बड़ा मैच है दोनों टीमों को पता है जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा बहुत लंबा मैच है 23-17 का स्कोर। रवि समय रेड पर रवि नांदा बिल्कुल जानदार शानदार प्लेयर है लेकिन साथियों इसे आप सुसाइड कह सकते हैं कबड्डी की दुनिया में सेल्फ आउट थर्ड रेड अगर 4 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बड़े बड़े टूर्नामेंटों का बेस्ट रेड रह चुका है बड़े बड़े टूर्नामेंटों में सोने चांदी की चांद जीतने का काम किया इस खिलाड़ी ने आहा हा बिल्कुल साथियों पैर में बिल्कुल टाई लगी थी और पॉइंट मिला एमबीए की टीम को और अब रेड पर 1 नंबर जर्सी का खिलाड़ी मोहन फर्स्ट रेड से पिछली बार तो लेके गए थे वापिस उल्टू ना आउट है ये कर ले बोला बाहर मर गया एक मिला बंडिया
बहुत इस समय रेड पर अच्छा मुकाबला चलता है दोनों टीमों के बीच में। भाई आगे के जो मैच है उनकी समरी तैयार कर ले आप। राजेश जी अनिल जी एक बार स्टेज पर बुला आप। भाई साइड हो जा। 18 26 18 24 18 आगे जी भाई आगे भाई बोल दे यार बोलने का कुछ पहला है बोलने बचारे मुझे बैठा क्या पॉइंट के साथ एमडी 20 होनी अठवाड़ा 25 लक्षण बोल दिन को लक्ष्य को राउंड बोली भाई बोल अच्छो देने वो कितना आएगा उधर नहीं अब राहुल इस समय लेट पर भाई आप क्यों दिखा रहे हो तो रेफरी ने लेकर डिसीजन यार बार 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 भाई बैठ जा सुपर सुपर मान लो तुम्हारा जो है
27 का स्कोर, 5 पॉइंट की लीड मोहनी अथवाला की। बहुत ही अच्छा कबड्डी का टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छे प्लेयर, बहुत ही अच्छे ऑफिशियल, बहुत ही अच्छे माननीय दर्शक और हमारे अतिथि तरफ से बात की गया है, जिन्होंने जिन पर बाबा जारूगा जी महाराज की अपार कृपा बनी हुई है और वो बिल्कुल हमारी कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से मदद कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जारूगा जी महाराज सबके जीवन में खुशियाँ दे, सब उन्नति और तरक्की करे। दस मिनट बोल ना उनको, दस पहले झटके में ही टच कर चुका था संघ, उसके बाद वो खिलाड़ी बाद में लगा है। और सब ड्रा डालने के बाद नहीं लिस्ट में आना यहाँ पे। मंदिर उच्च मरेर पर, मंदिर तो मंडल उच्च मरेर पर हर 30 सेकंड का समय, समय किसी का गुलाम नहीं होता साथियों, समय की अपनी चाल होती है, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि समय आपके हिसाब से चलता है। और मेरे साथियों अखबारा की टीम आगे है और दो खिलाड़ियों का डिफेंस, बिल्कुल खात्मा कर दिया दोनों खिलाड़ियों का। बस साथियों पहली बजाय पहली बार एनजीओ की टीम एक पॉइंट से आगे निकल चुकी है, जहां तक मैं ठीक हुआ 28-27 का स्कोर और अब रेड पर क्या नंबर के चीख रहे चेतन स्कोर को शायद इस रेड में चेतन बराबर भी कर सकता है, काबिल है और लीड में भी ला सकता है। बिल्कुल बेहतरीन चल किया था चेतन में, बिल्कुल इतने हाइट पर चला गया था कि यहाँ से अटेंडिंग का बाजार भी देख लिया था, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों ने भी सैलेंस किया, डिफेंस ने पूरा सहयोग दिया और चेतन को भरोसा ही किया। आखिरी 5 मिनट शेष, आखिरी 5 मिनट शेष, 29-27 का स्कोर रवि इस समय रेड पर, दो पॉइंट से एमडीओ की टीम आगे है। राष्ट्रीय ध्वज की तरफ जो टीम है, एमडीओ की टीम है, खड़ी है उन्होंने बताई थी जब, तो नंबर बच्चे का खिलाड़ी मोहित, मत बता रहे मुझको जाओ भाई, तो एक पॉइंट के लिए बची हुई है एमडीओ की। मकरौली रोहतक स्कूल, मकरौली स्कूल रोहतक वर्सेस राजहंस दिल्ली, इस मैच के तुरंत बाद तैयार रहे। हाँ जी बिल्कुल, मैच अरे तेरा भाई देख रहा है।
इस मैच के तुरंत बाद परेड में मधुबनी रोहतक वर्सेज अजीत सेंट्रल दिल्ली ग्राउंड नंबर एक में मैच होगा इनका। ग्राउंड नंबर भैनी सकूल भुवानी वर्सेज सागरपुर दोनों टीम में ग्राउंड नंबर दो में तैयार हैं। सभी खिलाड़ी सभी टीमों से सुनिश्चित करें बंदूकों से तीन रेलवे से टीम है मकरोली स्कूल वर्सेज राजीव पहला मैच। दूसरा मैच जो ग्राउंड नंबर दो में होगा बहुत स्कूल और सागरपुर चारों टीमों में हो जाए मकरोली स्कूल स्कूल और सागरपुर और तीसरा जो मैच होगा जिलाना वर्सेज इस मैच की विनर स्कूल वर्सेज सागरपुर बराबर ग्राउंड में मकरोली रोहतक वर्सेज राजदीप एक नंबर ग्राउंड में चारों टीमें तैयार हैं। इकतीस अड़तीस का स्कोर दो पॉइंट की लीड है अंडी आखिरी एक मिनट दो पॉइंट की लीड है एमबीओ की इकतीस नहीं अठारह का उन्नीस बिल्कुल अच्छा डिसीजन एमबीओ बत्तीस टाइम ओवर स्कोर बोलिए तो बता दे स्कोर दूसरा टाइम की पता पहला।